हेलो भाई, मैं रुकराज और आप देख रहे हैं ग्रुप लाइफ डिजाइन यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ हिडन फीचर्स को लेके ऑफ दिस कार। तो दिस इज़ द मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिज़ायर 1.2 पेट्रोल 2015 वेरिएंट, VXI वेरिएंट है ये। तो ऐसी कुछ इसकी चाबी आपको देखने को मिल जाती है। इसका मैंने एक छोटा सा रिव्यू किया था जिसमें मैंने बताया था कि 2015 की कार है ये, और अगर आप सेकेंड हैंड एंट्री लेवल की सेडान ढूंढ रहे हो तो आपको इसे क्यों प्रेफर करना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए या नहीं चाहिए, और 2021 के हिसाब से आपको कौन कौन से फीचर्स दे देती है कार। तो चलिए फटाफट से बात कर लेते हैं जिस फीचर की मैं इस वाले वीडियो में बात करने वाला हूँ उसकी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एंटी थेफ्ट अलार्म मिलता है इस कार में, जो कि एंटी थेफ्ट और एंटी शॉक अलार्म भी हम इसे कहते हैं। तो इसे हमें एक्टिवेट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ड्राइवर डोर खोल के रखना है। अगर मैं रुकिए वाइड एंगल में आपको दिखाता हूँ, आप देखो ड्राइवर डोर मैंने खोला है तो ये लाइट ऑन है इसलिए साउंड कर रहा है कार। लाइट्स ऑफ करता हूँ मैं तो ये कार साउंड करना बंद हो जाती है। तो मैं प्रोसेस बता दूँ आपको, एक बार चाबी डालनी है इग्निशन में, ऑन करना है इग्निशन, स्टार्ट नहीं करनी कार, इग्निशन ऑन करना है, फिर ऑफ करना है, फिर चाबी निकालनी है, फिर आपको इस बटन को 4 बार दबाना है और पाँचवीं बार दबा के होल्ड करके रखना है, और उसके बाद लॉक बटन दबा देना है जब ये साउंड करेगी कार तब। तो समझ नहीं पा रहे होगे अगर आप लोग, तो मैं दिखा दूँ, ड्राइवर डोर खुला रहना चाहिए भाई। आप यहाँ पे देखो शो हो रहा है, यहाँ भी मैंने दरवाज़ा खोल के रखा है। हम इसे इग्निशन में डालते हैं, ऑन ऑफ, चाबी निकाला, 1 2 3 4 5 होल्ड करके रखा, साउंड की कार, और ये हमने लॉक बटन दबा दिया, थोड़ी सी साउंड हुई कार। और अब मैं दिखाता हूँ इसका एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिव हो चुका है। पहले हम कार को बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं, अब कार लॉक्ड है। 10 सेकंड का वेट कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे, मतलब एक्टिव हो गया है वैसे एंटी थेफ्ट अलार्म। तो अब ये एंटी थेफ्ट अलार्म है क्या? तो आपकी कार चोरी अगर होती है तो जो इसमें हूटर लगा हुआ है, जिसे आप बीपर भी कह सकते हैं, तो वो बीपर आपको साउंड करने लगेगा। तो आप अगर आसपास हैं कार के, या कार आपके घर में या आपके गैराज में पार्क्ड है आपके पास, तो आपको पता चल जाएगा कि कोई कार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। जैसे कि ये चाबी आप देखो, मैं गाड़ी के ऊपर रख देता हूँ, मैं कार को लॉक रखा हूँ मैं, ठीक है, अभी आपके सामने मैंने लॉक किया, अब ये कार लॉक्ड है। और अगर आपकी कार लॉक्ड है और कोई खोलने की कोशिश करता है तो फिर इसका एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिव हो जाता है। जैसे कि आप देखो ये कुछ ऐसे साउंड करने लगेगी, इसके इंडिकेटर जो भी है, पार्किंग लैंप पूरे ऑन हो जाएंगे। अब इसे बंद करने का आपके पास ऑप्शन है कि इसे आप लॉक कर दो, लॉक एंड अनलॉक मैंने किया, ये बंद हो गई। और फिर से मैं लॉक करके आपको दिखाता हूँ एक और फीचर इस कार में क्या मिलता है। अब जो एंटी शॉक फीचर है वो ये है कि अगर कोई आपकी कार को मारता है, या मतलब किसी भी चीज़ से कुछ, मतलब इस चीज़ पे, या फिर आपकी कार पे कुछ गिर जाता है, या किसी कोई खड़ी गाड़ी में आके ठोक देता है, या फिर कोई अगर आपके टायर्स तक को कोई टच करता है, या आजकल टायर भी चोरी हो रहे हैं जो अलॉय व्हील्स होते हैं, ये तो नॉर्मल व्हील है, मतलब अगर आपके टायर को भी कोई चोरी कर रहा है ना तो आपकी कार बीप कर देगी। जैसे कि मैं अगर आप दिखाऊं, टायर को मैं अगर मारूंगा थोड़ा सा, मतलब टायर चोरी होगी तो थोड़ा बहुत हिले डुलेगा ही, तो आपके एंटी शॉक सेंसर्स ऑन हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसा कि आप देखो, देखो कार साउंड करने लगी। अब मैं बॉडी में भी कहीं पे थोड़ा सा टच करता हूँ, मारता हूँ, तो आप देखो फिर से कार साउंड करने लगी, और बम्पर में भी आई थिंक ये साउंड करती है। हाँ, तो आप देखो प्लास्टिक का बम्पर है, बम्पर अलग से लगा हुआ है, फिर भी ये कार साउंड कर रही है, सेंस कर ले रही है उस चीज़ को। और अगर हम यहाँ पे भी थोड़ा सा वेट करके देखें तो ये अलग से लगा हुआ है इसलिए इसमें सेंस नहीं कर पा रही है। यहाँ पे आप देखो, देखो तो ये है भाई एंटी थेफ्ट वाला सिस्टम। अब इसके साथ दिक्कत ये है कि कोई अगर लाउड बाइक है और अगर आपके बगल से निकलती है, बहुत ज़्यादा साउंड वो करती है बाइक, तब भी ये अलार्म एक्टिव हो जाता है और पिप 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 करने लगता है। अगर बारिश का मौसम है, बादल गरज रहे हैं, तो बादल भी अगर ज़ोर से गरज जाएं, फिर भी ये टी 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 करने लगता है, और उसके बाद ये फीचर आपको इरिटेटिंग लगने लगता है। तो यही थी ये चीज़। और अगर आपको कैसे पता करना है कि आपका एंटी थेफ्ट अलार्म एक्टिव है या नहीं, तो अगर आप लॉक करेंगे ना, अभी हमारा अलार्म एक्टिव है, लॉक करेंगे सिंगल साउंड करेगी, और जब अनलॉक करेंगे तो जब ये अलार्म एक्टिव रहेगा तो 4 बार आपका बीपर साउंड होगा। जैसा कि आप देखो 4 बार साउंड हुआ, और जब ये एक्टिव नहीं रहेगा अलार्म, तब ये बीप आपको 2 ही बार करेगा जब आप अनलॉक करते हो। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, लॉक किया सिंगल साउंड, अनलॉक करते ही 4 बार साउंड आएगा, और अभी मैं आपको ऑफ करके दिखाऊंगा तो फिर अनलॉक करूंगा तो 2 ही बार साउंड आएगा। जैसा कि आप देखो,
चार बार साउंड आया और सेम प्रोसेस है अनलॉक करने का भी। तो फटाफट से मैं आपको अनलॉक करके दिखा, अरे सॉरी, इस अलार्म को बंद करके दिखा देता हूँ। फिर से वही सेम प्रोसेस, दरवाज़ा खोल के रखना है, चाबी डालनी है, एक बार ऑन किया, ऑफ किया, चाबी को पकड़े, एक दो तीन चार, होल्ड, पांचवे बार में साउंड की कार ने लॉक बटन दबा दिए, थोड़ा ही साउंड आई, अब ये अपना बंद हो चुका है जो एंटी थेफ्ट अलार्म है। कैसे पता करेंगे आप? लॉक किया सिंगल साउंड, और अगर मैं अभी रुकी अनलॉक वाला छोड़ के अगर मैं दिखाता हूँ, तो अभी मैंने को ड्राइवर साइड आपको खोल के दिखाया था, कार साउंड करी थी, कार लॉक है, फिर से दिखा दूँ, कार लॉक्ड है और कोई साउंड नहीं है भाई। टायर्स पे मारते हैं, कोई साउंड नहीं है भाई, कोई साउंड नहीं है भाई। तो यही चीज़ है, और अगर मैं अभी अनलॉक करके दिखाऊँ आपको, तो आप देखो दो ही बार साउंड करेगी कार, देखा। तो जब ये एंटी थेफ्ट अलार्म आपका ऑन रहेगा, तो अब ये कार अनलॉक पे चार बार साउंड करेगी, जब अलार्म डीएक्टिवेटेड रहेगा तो दो बार ही साउंड करेगी। तो चलिए यही थी ये वीडियो। वेट, आपको एक और फीचर बता दूँ, वैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में ये फीचर बताया था, तो आप देखो ये इसकी MID है, छोटी सी MID इस कार में मिल जाती है आपको, बड़ा सा टैकोमीटर। तो आप देखो जैसा कि ये रेंज दिखा रही है, ठीक, ये मोड का ऑप्शन है, ये ट्रिप सेट करने का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको ट्रिप ए ट्रिप बी यही दो चीज़ें दिखने वाली हैं, और यहाँ से आप मोड को चेंज कर सकते हैं। तो जो मेरे को मेनली इस वाले वीडियो में फीचर जो बताना है, वो मैं आपको रुकिए पास करके दिखाता हूँ। अभी आप देखो ये जो है ना मोड वाला, लेफ्ट साइड वाला नहीं, राइट साइड वाला, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे एक सिंबल बना हुआ है स्पीडोमीटर टाइप, और उसके ऊपर लाइट बनी हुई है। तो ये सिंबल है रोटेट करने के लिए, ये आप देखो ये दो ठो आपको एरो मिल जाते हैं, दो एरो, तो ये रोटेशन के लिए है, ठीक। अगर आप इसे रोटेट करते हो तो अपने जो अपना आपका स्पीडोमीटर है, इसकी आप लाइट्स को डिम या ज़्यादा कर सकते हो, यानी कि जो बेसिकली मैं कहूँ तो इल्यूमिनेशन सेट कर सकते हो अपनी लाइट्स की ऑफ द मीटर एंड द इंटीरियर, मतलब ये जो आपकी लाइट्स आती हैं यहाँ पे भी, इनको भी आप सेट कर सकते हो। और मेनली ये जो वर्क करता है स्पीडोमीटर में ही ज़्यादा इसका इफेक्ट दिखता है, यहाँ पे कम दिखता है लेकिन होता है। तो इसको करना क्या है, सिंपल, इसे आपको ना घुमाना है थोड़ा सा, ये पूरा नहीं घूमेगा ऐसे गोल गोल घूमने लगा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा अगर आप इसे रोटेट करोगे ना, तो यहाँ पे आपको बीच में ये जो बीच वाला है लाइन है, यहाँ पे आपको डॉट दिखने लगेगा, उस डॉट में आपको मतलब वही दिखेगा लेवल, लाइट का लेवल। तो मैं देखिए थोड़ा सा लेफ्ट रोटेट करता हूँ, यानी कि मैं लाइट को कम करता हूँ, ये देखो ये आ गया है, अब ये आप कम करो, देखो लाइट पूरी कम हो गई भाई, MID में कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप देखो ये MID बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। अब हम इसे बढ़ाते हैं, राइट साइड को घुमाना है इसे थोड़ा थोड़ा, स्विच की तरह ये साउंड करेगा, बंद, ज़्यादा, तो सबसे फुल लाइट मैंने कर दिया है इसका। तो यही था भाई ये फीचर, आप इसकी जो स्पीडोमीटर की लाइट है उसे भी एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यही थी भाई ये फीचर वाली वीडियो डिज़ायर की। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताना, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।